आज बनाएंगे परवल आलू की बहुत ही टेस्टी सूखी मसालेदार सब्जी। आप एक बार परवल आलू की सूखी सब्जी की रेसिपी को इस तरह से बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बहुत ही टेस्टी परवल आलू की सूखी सब्जी की रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। परवल आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम परवल लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। परवल के दोनों किनारों को हम कट करके हटा देंगे और इसे हमें इस तरह से छील लेना है। चाकू की सहायता से परवल को इस तरह से छीलने से परवल का ज़्यादा छिलका वेस्ट नहीं होता है। मैंने सारे परवल को छील के तैयार कर लिया है। अब हम परवल को दो हिस्सों में कट कर लेंगे और इसके बाद हम परवल के बीचों बीच चीरा लगा लेंगे इस तरह से। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। सारे परवल को मैंने कट कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप इसकी जगह पे किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें कटे हुए परवल डाल देंगे। परवल को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। परवल को हम 70 से 80% तक पका लेंगे। परवल यहाँ पे एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। दो उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे भी हम परवल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू को अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम परवल के साथ ही फ्राई कर लेंगे। आलू को गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आलू और परवल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब सेम कढ़ाई में हम मसाला बनाएंगे, तो 2 बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। चार छोटी इलायची डालेंगे, 3 लौंग डाले हैं मैंने, छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 8 से 10 दाने डालेंगे काली मिर्च के। सभी खड़े मसालों को हम आधे सेकंड के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे, तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने पीस के डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, तो 2 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहीं पे हम डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब सभी मसालों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक के लिए भून लेंगे अच्छे से। यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं मसालों को भूनते हुए। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए परवल और आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे।
अब इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट तक मसालों के साथ भूनेंगे। हमें इसका ढक्कन नहीं लगाना है क्योंकि हमने आलू को उबाल के डाला है इसमें। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं सब्जी को फ्राई करते हुए हमें। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और लास्ट में इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। मिला लेंगे इसे अच्छे से। तो ये हमारी परवल आलू की सूखी मसालेदार सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस परवल आलू की सूखी सब्जी को पूरी या पराठा के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। आप परवल आलू की सूखी मसालेदार सब्जी इस तरह से बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।